मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाए। न्यूट्रिशन पार्ट टू, लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर वन ऑफ क्लास 10। दिस इज द पार्ट टू of the nutrition. In this video we will see the nutrition in animal. Heterotrophic nutrition, the main mode of nutrition in the animal kingdom. The type of heterotrophic nutrition are the holozoic nutrition, saprophytism and the parasitism. होलोजेइक न्यूट्रिशन में हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड या लिक्विड फूड को इंजेस्ट कर रहा है, फिर उसे डाइजेस्ट कर रहा है एंड आफ्टर दैट वो एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेशन कर रहा है। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल्स एंड अदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सेप्रोफाइटिज्म, सेप्रोफाइटिज्म में ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सेप्रोफाइटिज्म का एग्जांपल है। फिर आ रहा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो पैरासाइट जो है अपना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर रह के। एग्जाम्पल आर द फ्लाइज, लाइस एंड टेपवर्म्स। Now the holozoic nutrition in amoeba. When we talk about the holozoic nutrition in animal, सबसे पहले हम देखेंगे कि lower animals, unicellular organism like amoeba में ये nutrition कैसे हो रहा है। तो amoeba में जो nutrition हो रहा है it is a holozoic nutrition and the typical holozoic nutrition में 5 step होता है, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now we will see in the amoeba how these 5 steps are completed. First is the ingestion. Amoeba pushes out the pseudopodia to encircle the food and engulfs it forming a food vacuum. This process is known as the phagocytosis. यानी कि phagocytosis के माध्यम से amoeba जो है अपना pseudopodia को आगे करता है, food को घेर लेता है और उसको अपने cell के अंदर ले लेता है by forming a vacuum, जिसे हम लोग food vacuum कह रहे हैं। Now the digestion. In amoeba, the food vacuoles are transported deeper into the cell and with the help of the digestive enzymes. Amoeba के cell में जितना lysozyme जैसा बहुत सारा enzyme containing globules है या vacuoles है, इस तरह के digestive enzymes जो है वो food vacuole में आके अपना digestive enzymes को ऐड करता है और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सहारे फूड वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इन दिस प्रोसेस एब्जॉर्प्शन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड द सेल इन बाय द सेल साइटोप्लाज्म एंड लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड फूड जो है उसको लेके फूड वैक्यूल जो है पूरे साइटोप्लाज्म में घूमता है और उसके डिफ्यूजन के माध्यम से फूड वैक्यूल से जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, सिर्फ बचा रहता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। नेक्स्ट वन इज द एसिमिलेशन। एमीबा एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल को अब यूटिलाइज करता है अपने लिविंग के लिए, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हर तरह के काम के लिए, जैसे कि एनर्जी ऑब्टेन करना या बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए इसको यूज करता है। नेक्स्ट वन इज द इजेशन। इजेशन में क्या हो रहा है, उसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर कर रहा है और रेसिडुअल पार्ट या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है वो एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग के माध्यम से इसके सेल से बाहर जा रहा है। तो दिस इज अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा। जिस फिगर में भी हम देख रहे हैं कि फूड पार्टिकल को कैसे वो स्यूडोपोडिया के माध्यम से वो एनगल्फ कर रहा है या निगल रहा है एक बाय फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल और उसके सेल के अंदर उसका डाइजेशन हो रहा है एंड आफ्टर डाइजेशन वो उसको इजेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ इन एक्सोसाइटोसिस।
नाउ द टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन को जब हम देखते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन हम पाते हैं. तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. कार्निवोर्स जो फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. ओमनीवोर्स जो है वो दोनों, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों का प्रॉपर्टी है, यानी प्लांट एनिमल दोनों को वो फीड करते हैं, तो इसको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं. नाउ द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का क्या क्या स्टेप्स है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो उसमें भी पांच स्टेप हम देखेंगे. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन मतलब फूड को बॉडी के अंदर लेना बाय च्यूइंग एंड स्वालोइंग. डाइजेशन में हम देख रहे हैं कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर फॉर्म. एब्जॉर्प्शन में हम देख रहे हैं डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करना. और एसिमिलेशन में एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल को बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उसे यूज करना. एंड इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना. नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग. इसमें हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो मेन पार्ट है, एलिमेंट्री कैनल एंड द एसेसरी ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स में हम देखेंगे माउथ, फेरिंग्स, इसोफिगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और एसेसरी ग्लैंड्स में हम देखेंगे सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियस. तो हम लोग अब देखते हैं डायग्राम में, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू हो रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ कैविटी से. माउथ कैविटी से हम लोग आते हैं फेरिंग्स में. फेरिंग्स में मेरा नेजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों मिल रहा है, और ये फेरिंग्स एक्सटेंड हो रहा है इसोफिगस में. इसोफिगस जो है वो जा रहा है स्टोमक में, और स्टोमक जो है उसमें से उसके बाद वो ज्वाइन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज्वाइन हो रहा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन हो रहा है उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सिकम. सिकम के बाद है कोलोन. कोलोन इस तरह से हम देख रहे हैं, कोलोन का तीन पार्ट है, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. इसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, जिसमें इजेशन के मटेरियल या वेस्ट मटेरियल जमा होता है, जिसे हम रेक्टम कह रहे हैं. और जब रेक्टम फुल हो जाता है वेस्ट मटेरियल से तो एनस से वो रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल. माउथ कैविटी का, माउथ कैविटी में हम देख रहे हैं कि माउथ कैविटी बाहर से ये लिप्स से बंद है, इसके अंदर है टीथ. टीथ जो है हमारा मस्टिकेशन और च्यूइंग में हेल्प करता है, और उसके अंदर जो कैविटी है नोन एज अ बकल कैविटी और माउथ कैविटी. इसके अंदर एक मस्कुलर ऑर्गन है टंग, जो स्वालोइंग में हेल्प कर रहा है और टेस्ट में हेल्प कर रहा है. इसमें टेस्ट बर्ड है जो केमिकल टेस्टिंग में हेल्प करता है. हमारे टीथ जो है वो टीथ को हम लोग तीन प्रॉपर्टी से जानते हैं, क्योंकि ये जॉ बोन के कैविटी के अंदर एम्बेडेड रहता है, इसलिए इसको हम थेकोडोंट बोलते हैं. और साथ में हमारे मुंह के अंदर जो टीथ है वो एक ही तरह के नहीं है, अलग अलग तरह के हैं, चार तरह के हैं, तो इसलिए हम लोग इसको हेट्रोडोंट कहते हैं. और साथ में हमारे पूरे लाइफ फेज में टीथ दो बार आते हैं, यानी कि एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ, इसलिए हम टीथ को डाइफाइडेंट भी बोल रहे हैं. तो टीथ में हम लोग देखते हैं चार तरह का टीथ, हमारा इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. अगर हम डेंटल फार्मूला का बात करते हैं तो हम पाते हैं हाफ ऑफ द लोअर जो एंड बाय हाफ ऑफ द अपर, हाफ द अपर जो बाय द हाफ ऑफ द लोअर जो, यानी 2-1-2-3 बाय 2-1-3. दिस इज द एडल्ट ह्यूमन बींग का टीथ का फार्मूला है, डेंटल फार्मूला है. अगर हम बच्चों का देखते हैं तो वो है हमारा 2-1-0-2-2-1-0-2, यानी कि मिल्क टीथ डेंटिनेशन का टोटल टीथ है 20, और इसका डेंटल फार्मूला है ये. हमारे माउथ कैविटी में हमारे पास थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड भी है. ये थ्री पेयर्स
कान और अपर जॉ के बीच में, ईयर और अपर जॉ के पास जो है वो है पैरोटीन। इसके बाद हमारे टंग के नीचे दोनों साइड में है सबलिंगुअल और हमारे लोअर जॉ के पास है सब मैंडिबुलर। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं माउथ और बकल कैविटी के अंदर का स्ट्रक्चर। देख रहे हैं हमारे इसोफिगस को, ये हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है जो हमारे फेरिंग से कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज द इसोफिगस जो स्टोमक तक जा रहा है, और इसके अंदर फूड जो ट्रेवल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बंच के फॉर्म में, कभी कंस्ट्रिक्शन कहीं पे वो फैला हुआ इस तरह से, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। इस माध्यम से फूड जो है इसोफिगस में ट्रेवल करता है। तो इसमें इसोफिगस जो स्टोमक में एंटर करता है एक कंस्ट्रिक्शन मसल से ये कंट्रोल होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। स्टोमक में हम देख रहे हैं कि इसोफिगस के बाद एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जो इलास्टिक इन नेचर है, जैसे खाना अंदर आता है ये फैल सकता है, और स्टोमक के बाद स्टोमक ज्वाइन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला हिस्सा में। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टोमक को देखते हैं तो हम पाते हैं इसोफिगस जिस पार्ट में आपके स्टोमक में ज्वाइन कर रहा है उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं कार्डिया या कार्डियक। इसके ऊपर वाला पार्ट जो हमारे डायफ्राम से सटता है वो वाला पार्ट को हम लोग नाम देते हैं फंडस, जो हमेशा गैस से भरा हुआ रहता है, इसमें कभी खाना नहीं जाता है। इसके बाद मेन पार्ट जो है सबसे बड़ा वाला पार्ट बीच का, इसको हम लोग नाम देते हैं बॉडी, और जो पार्ट ड्यूडेनम के पास है उसको हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिस या पाइलोरिक एंट्रम। ये थोड़ा एक तरफ से ये कन्वेक्सिटी है जिसको हम लोग ग्रेटर कर्वेचर बोल रहे हैं, और एक तरफ से कनकेविटी है जिसको हम लोग लेसर कर्वेचर बोल रहे हैं। अगर स्टोमक के वॉल को हम देखते हैं तो इसमें हम ये डिफरेंट लेयर्स पा रहे हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं सेरोसा, इसके बाद सेरोसा के बाद वाला जो लेयर है वो है मस्कुलर लेयर, और मस्कुलर लेयर के बाद वाला लेयर है सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद है हमारा इनर मोस्ट लेयर जिसे हम म्यूकोसल लेयर कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जैसा कि हम जान रहे हैं इंटेस्टाइन में दो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम। इसके बाद हम देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भी तीन पार्ट है, सिकम कोलोन एंड द रेक्टम। कोलोन के तीन पार्ट है, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड द डिसेंडिंग कोलोन, और रेक्टम जो है का रेक्टम के ओपनिंग को हम लोग नाम देते हैं एनस। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इसमें आता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, और इससे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसी लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं, जो सिकम के पास प्रेजेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइन हो रहा है उसको हम लोग सिकम कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड में, हम लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में जान ही चुके हैं, अब देख रहे हैं हम लोग लीवर एंड पैनक्रियास। ये है हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस को कुछ देर के लिए थैलीनुमा स्ट्रक्चर में स्टोर करता है जिसे गॉल ब्लडर कहते हैं। तो लीवर से जो डक्ट आ रहा है इसे हम लोग बाइल डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं, और ये स्टोमक के नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा पैनक्रियस है। पैनक्रियस डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है जिसके ऑल टुगेदर उसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से आता है। तो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिला के हमारा बनता है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो ड्यूडेनम में आके ज्वाइन कर रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हम देख रहे हैं कि न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हम
हम जितना फूड लेते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, उस फूड में कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट रहता है जो हमारे लाइफ को और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो ये जो फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने या न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम देखते हैं कि हमारे में फूड में मेन न्यूट्रिएंट क्या क्या है या क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है प्रोटीन, जो बॉडी बिल्डिंग के काम में आता है, साथ में हमारा मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सेकेंड आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। इसके बाद आता है फैट। फैट जो है वो हमारे स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में रहता है, साथ में हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने के लिए भी फैट का लेयर रहता है, साथ में ये इंसुलेशन का काम करता है। कुछ हार्मोन्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स भी हम फैट के माध्यम से ही बनते हैं। इसके बाद है विटामिन, जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी और प्रतिरक्षा के लिए जरूरी है। मिनरल्स जो है ये बहुत सारे हमारे केमिकल्स बायोकेमिकल्स का ये कंस्टिट्यूएंट है, साथ में बहुत सारे जगह में ये कोफैक्टर का भी काम करता है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी के हर एक सेल्स और ब्लड का मेजोरिटी मेजर पार्ट जो है वो वाटर से बना हुआ है, तो इसीलिए सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्मूथली कैरी आउट करने के लिए हमें वाटर चाहिए, जो हमारे बॉडी को मॉइस्ट भी रखे, हमारे बावल मूवमेंट को भी ठीक रखे और बॉडी के अंदर सब सिस्टम जो है वो सही तरीके से चले। Now the process of digestion. First is the digestion in the oral cavity. Oral cavity में salivary gland से जो saliva निकलता है उसमें एक enzyme present रहता है salivary amylase, जिसे हम tiling भी कहते हैं। ये starch को digest करके maltose में convert करता है। लगभग 30% of the starch हमारे mouth में ही semi-digest होता है, convert हो जाता है maltose में। इसके बाद हम देख रहे हैं digestion in stomach. स्टोमक से जो एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस निकलता है इसे हम लोग नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें इसके कंपोनेंट में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमक में डाइजेशन का मीडियम को एसिडिक कर रहा है। इसके बाद स्टोमक के वॉल से पेप्सिनोजन नाम का एक प्रो एंजाइम या इनएक्टिव एंजाइम निकलता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, जो पेप्सिन आगे चल के प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटीओसेस में कन्वर्ट कर रहा है। एक और एंजाइम है जिसे प्रोरेनिन के फॉर्म में वो निकलता है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे रेनिन में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मिल्क में जो प्रोटीन है केजीन उसको पेप्टाइड्स या पेप्टिडेजेस में कन्वर्ट करता है या पैराकेजीन में कन्वर्ट करता है ये रेनिन एंजाइम। ये रेनिन एंजाइम बच्चों में सबसे ज्यादा सिक्रेट होता है, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये रेनिन का सिक्रेशन थोड़ा घटते जाता है। डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन तरह के जूस आके मिल रहे हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। बाइल जूस का काम है ये हमारे फैट डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, फैट को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे हम इमाल्सिफिकेशन भी कह रहे हैं। इसके बाद फैट्स जो है वो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं, और साथ में बाइल का एक और काम है डाइजेशन का मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, जो बाइल जिसमें बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट रहता है वो ये काम करता है मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, उस एंजाइम का एक्शन हम देख रहे हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिनोजेन, जो इनएक्टिव एंजाइम था, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। साथ में ट्रिप्सिन खुद एक एंजाइम होते हुए एक और एंजाइम को एक्टिवेट करता है, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। साथ में ट्रिप्सिन एक और एंजाइम को
एक्टिव करता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस को कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस में कन्वर्ट करता है। ये कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीओजेस को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो पॉलीसेक्राइड को डायसेक्राइड यानी कि स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। न्यूक्लियसेस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में। और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो कर रहा है ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। सकस एंटेरिकस भी कहते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस में हम देख रहे हैं जो जो एंजाइम प्रेजेंट है और उसका फंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डाइपेप्टिडेजेस जो डाइपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो रहा है, प्रोटीन अपना लास्ट छोर में पहुंच गया है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। माल्टेज एंजाइम जो है माल्टेज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का भी जर्नी खत्म हो रहा है डाइजेशन का। लैक्टोज जो मिल्क में जो शुगर रहता है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है लैक्टेज नाम का एंजाइम जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको तोड़ रहा है। सुक्रोज टूट रहा है सुक्रेज नाम के एंजाइम से जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट रहा है। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियोटाइजेस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट कर रहा है और उसको न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है और न्यूक्लियोसाइडेस जो है वो न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रोजनस बेसिस में एंड फॉस्फेट में और इस तरह से उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ रहा है। ठीक उसी तरह से लाइपेजेस इंटेस्टिनल लाइपेजेस जो है वो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। इस तरह से हम देखें एमिनो एसिड ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और दिस ऑल आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑल आर इन द सॉल्युबल फॉर्म। और अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो गया है और स्मॉल इंटेस्टाइन से अब इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं फेट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कि कार्बोहाइड्रेट का कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रहा है, सलाइवरी एमाइलेज पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड डाइसैक्रिडेजेस से हो रहा है, प्रोटीन पेप्सिन से हो रहा है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन से डाइजेस्ट हो रहा है, फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस से और लास्ट में डाइपेप्टिडेजेस और एमिनोपेप्टिडेजेस से इसका डाइजेशन हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड का पैनक्रियाटिक न्यूक्लियसेस पे न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज से डाइजेशन हो रहा है। फैट का हो रहा है ट्राइग्लिसराइड यानी कि बाइल के में इमल्सिफिकेशन होता है, फिर पैनक्रियाटिक लाइपेज में और इसको कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। इसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड द एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को अगर हम एनलार्ज करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग विल्ली कह रहे हैं। ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस पर आता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पूरे के पूरे वॉल में प्रेजेंट रहते हैं और ये विल्ली के अंदर में ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो वाटर सोल्युबल कंटेंट रहता है उसे ब्लड अब्जॉर्ब करता है, जो फैट सोल्युबल कंटेंट रहता है वो उसको लैक्टियल्स अब्जॉर्ब करते हैं। और अगर हम विल्ली के मेम्ब्रेन को देखते हैं लार्ज करके एपिथेलियम एंडोथेलियम लेयर को, तो इस एंडोथेलियम का लेयर भी हमको दिखाई देता है ब्रस्ट बॉर्डर यानी कि माइक्रोविल्ली प्रेजेंट रहता है उसके सेल मेम्ब्रेन में, जो वो भी अपने लेवल पे एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो दिस इज द एंड ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।